तो लैब असिस्टेंट परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए, तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा। हाँ दोस्तों, 100% एडमिट कार्ड जारी हो चुके, तो आप भी अपनी एसएसआरटी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपका अपना एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या, आपको अपने ब्राउजर में यहाँ पर इस तरीके से एसएसआरटी डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च आपको कर देना। जैसे आप सर्च करोगे, ऊपर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी एसएसआरटी डाल देनी, यहाँ पर आपके पासवर्ड आपको डाल देना, आपको यहाँ पर एसएसआरटी वही आपको डालनी है जिससे आपने यहाँ पर लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक कैप्चा आपको देखने को मिला, नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना, इस तरह से यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद में आपको लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। वेट करने के बाद में आपको भी इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको भी ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल, आप देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले, तो आपको अदर एप्स इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्विक सर्च में आपको टाइप कर देना REC। जैसे आप REC टाइप करोगे, तो आप देख सकते हो इस तरह से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल, उसके बाद में आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट स्टेक 2। तो आपको इसी पर क्लिक करना, रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। वेट करने के बाद में आपको भी इस तरह का यहाँ पर आपको पेज आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद में ये सब पेज आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद में ऐसा पेज देखने को मिलने के बाद में ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो गेट एडमिट कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो गेट एडमिट कार्ड। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ माई एप्लीकेशन में, यहाँ पर ये आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, व्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भी चेक कर सकते हो। आपको बताना चाहूंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, निकालने के लिए गेट एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, आपका पर हाईलाइट आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो एडमिट कार्ड जारी हो चुका। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट ज्वाइन रिक्वायरमेंट ऑफ लैब असिस्टेंट 2022। उसके बाद में यहाँ पर एक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट एडमिट कार्ड, गेट एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने निकल के इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र में परीक्षा समय से 30 मिनट पूर्व तक, यहाँ पर जो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आपके यहाँ पर आवेदन आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपका फोटो जो भी यहाँ पर। उसके बाद में आप जैसे नीचे आओगे, तो यहाँ पर आपको परीक्षा की तिथि समय आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, यहाँ पर इस तरह से आपको समय आपको देखने को मिल जाएगा, आपको परीक्षा केंद्र कोड नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से आपका अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने आपको पूरा कंप्लीट आपको बता दिया, 100% यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, तो आप भी जल्दी से अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को। धन्यवाद।